मेरे चैनल में आपका स्वागत है और आज हम बनाएंगे हरे मटर से वड़ा जो खाने में बहुत टेस्टी होता है और इसे बहुत आसान तरीके से हम बनाएंगे तो झटपट बनकर तैयार हो जाता है, खाने में टेस्टी होता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने एक कप हरा मटर लिया है और मैंने इसे दरदरा पीस करके रख लिया है और हमने लिया है एक कप चावल का आटा। आप चाहें तो इसकी जगह गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। तो चलिए इसे बना लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है और गैस को मैंने ऑन कर दिया है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम तेल डालेंगे। तो हमने मूंगफली का तेल लिया है 2 बड़े चम्मच, इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, इसे हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। आंच को हमने मीडियम रखा है, बहुत तेज आंच पर हमें इसे नहीं भूनना है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 पिंच हींग और हमने 2 पिंच हल्दी पाउडर लिया है कलर के लिए। हींग जो होती है वो स्वास्थ्य के लिए हमारी बहुत लाभदायक होती है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम इसके अंदर हींग डालेंगे। इसे मिला देंगे और हमने इसके अंदर डालने के लिए लिया है 1 छोटी साइज की प्याज, इसे मैंने छोटे टुकड़े में काट लिया है। 1 टुकड़ा अदरक का, इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। और हमने 2 हरी मिर्च ली है, इसे भी मैंने छोटे टुकड़े में काट लिया है। तो इन सारी चीजों को हम तेल में डाल देंगे। तो इसे 10 से 20 सेकंड के लिए हम भून लेंगे मीडियम आंच पर। तो इसे मैंने भून लिया है। तो चलिए हम इसके अंदर कुछ मसाले डाल लेते हैं। हमने लिया है 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच आमचूर का पाउडर है इसे डाल देंगे, 1/4 चम्मच भुना और पिसा हुआ जीरा पाउडर और 1/4 चम्मच हमने गरम मसाला पाउडर लिया है इसे भी डाल देंगे, इसे मिला देंगे। और अब हम इसके अंदर ये मटर डालेंगे जिसे मैंने ददरा पीस करके रखा है, इसे हम 2 मिनट तक भूनेंगे। तो मैंने इसे भून लिया है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक। तो हमने 1 छोटा चम्मच नमक लिया है, नमक हमें स्वाद अनुसार लेना है, इसे डालेंगे, मिक्स कर देंगे। और अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। तो 1 ग्लास मैंने पानी लिया है, इसे हम डालेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसमें उबाल आने देंगे। तो इसमें उबाल आ गया है और मैंने इसे 1 मिनट तक पका लिया है। तो आंच को हम धीमा कर देंगे और अब हम इसके अंदर डालेंगे ये चावल का आटा। तो हमने 1 कप चावल का आटा लिया है, तो मैंने ग्लास में 2 कप पानी ले लिया था, तो आटे का डबल हमें पानी लेना है। इसके अंदर से हम डालेंगे और फटाफट मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। इसे आंच को हमें धीमा ही रखना है। अब हम इसके अंदर डालेंगे हरी धनिया ढेर सारी, इससे अच्छी खुशबू आएगी और अच्छा टेस्ट आएगा। इसे मिला लेते हैं और अब हम गैस को बंद कर देंगे, इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो इसे मैंने ठंडा कर लिया है, हल्का हल्का से गर्म है और इधर मैंने पैन में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, मैंने मूंगफली का तेल लिया है। तो तेल को हम गर्म होने देंगे और इधर इसका हम वड़ा बनाकर तैयार कर लेंगे। हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा बैटर उठाएंगे, जितना बड़ा आपको बनाना हो वड़ा उतना ही आपको लेना है। और इस तरीके से हाथ मिलेंगे, हल्का से दबा लेंगे। और इसे प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरीके से सारे वड़े हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो कुछ वड़े हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं, चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, हमने आंच को मीडियम रखा है। इसके अंदर हम वड़े डालेंगे, जितना आसानी से आ जाए पैन में उतना डालेंगे। तो मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक एक साइड में तल लिया है। इसे हम पलट देंगे, एक एक करके सारे वड़ों को हम पलट देंगे। तो वड़ों को हमें अलट पलट कर अच्छी तरीके से क्रिस्पी होने तक तल लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने वड़ों को तल लिया है और इसका अच्छा कलर आ गया है। तो अगर आपको और डार्क करना है और करारा बनाना है, आप इसे और भी तल सकते हैं, लेकिन ये अच्छी तरीके से तल चुका है और इसका अच्छा कलर भी आ गया है। तो इसे हम निकाल लेते हैं, इसे साइड में करेंगे, जो इसका एक्स्ट्रा तेल होगा वो कढ़ाई में गिर जाएगा। और इसे हम एक सोकिंग पेपर पर रखेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे हरे मटर के क्रिस्पी और टेस्टी वड़े बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो गर्मा गर्म
हरे मटर का वड़ा हमारा खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैंने इसे हरे धनिया और टमाटर की चटनी के साथ रखा है। आप इसे अपने मन पसंद किसी भी चटनी के साथ या फिर टोमेटो केचप के साथ खा सकते हैं। खाने में बहुत टेस्टी होता है, बहुत क्रिस्पी होता है। तो बस फटाफट आप इसे बनाइए, खाइए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका हरे मटर का वड़ा कैसा बना।